पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा फोन ऐसे टूटा कि डिस्प्ले गया, मैं कभी गिरता भी नहीं, रोड पे गिर गया।
ठीक है, अब ये फोकस के हटा के कर दो कुछ से करना शोल्डर और दोबारा नीचे क्लिक करिए. अभी तो बोलना शुरू भी नहीं किया हमने. सारी फोटो शूट कर ली गई थी पूरी मीडिया के सामने के लिए. ओके हां, नाउ व्हाट आरती अब वो वाला काम कर रहा है सबके वाला है ए हां चले गए. चलो वाला मेरा इसके काम कर रही है वो ना वीडियो फेस चलो खराब है तो खराब है. नीचे फोटो खींचे आप वीडियो के साथ दोनों. सोलो वाले निकाली है मैंने दीपिका के फोन में. आरती हाँ वो वाले भेजना दीपिका की सोलो काम करा दो फिर. मैं वो आया ऑफिस से बोलने वाले की विजुअल छाने दे रही हूँ पहले बता दो. थोड़ा वो मैं भी देखा था. हाँ दो दो मिनट प्रॉपर नहीं मिले. हाँ ना ये मैं खाली रख रही हूँ पहले तो मैं वहीं पे सर्व कर. इंद्र भाई थोड़ा पीछे, इंद्र भाई थोड़ा पीछे, इंद्र भाई थोड़ा पीछे साइड को. हाँ हाँ हो गया. करो सर आपकी सॉरी. आओ ना बनाई तो पूरी पहले सब तो कर दो उसको. अरे अच्छा कैसे बनाई शुभ जरा बताओ.
कैसे बनाई? तुम खा के बताओ। मैं कैसे बताऊं? आपने पूरी बनाई तो बताओ कैसे बनाई। बना दिया, तुम खा के बताओ। आटा कर लो, गुड़ गुड़ इसे चल के पहन चु आगे आगे ये बाबा ये मैं पानी ना लाऊं तू एक सेकंड ले और मैंने जो बेगम साहब है उनको आराम दिया है, इसलिए आज मैंने पूरा बनाया है। टेस्ट करके बताएंगे कैसा है, ठीक है? हम बताएंगे कैसा है, लेकिन हम एक शर्त पे बताएंगे कैसा है कि आप बताएंगे आपने कैसे बनाया। वो आप नहीं नहीं अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। फ्रूट पहले डालिए या फिर ये अपना दूध? नहीं, सबसे पहले दूध डालो और फिर चीनी उसमें। अच्छा, और इसको पका के बनाएंगे, उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स गए, उसके बाद जो इन्होंने पहले बोला वैसा मत बनाइएगा प्लीज, कुछ का कुछ बन जाएगा। ओके चलो, पहली ईद तो एक दूसरे को पहले खिलाओ यार, शोएका की पहली ईद। शो चलो आपका इम्तिहान देखते हैं आप प्यार में। इतनी दुष्ट नहीं, इनको ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं, थोड़ी तो हर पत्नी होती आपकी मेहनत सफल हुई, आपकी चोट लग गई पकाते पकाते सफल हुई। है ना, अच्छी है ना, चलो जाता शाबाश। अच्छा अब एक एक ना फटाफट जितने कैमरे ना सबको एक एक शॉट दे दो ताकि बाद में टाइम नहीं लगेगा सबके कैमरे पे चम्मच। फटाफट सब लाइन में एक एक शॉट क्लोज सबके कैमरे। अरे हेल्प कर इतने यार हरेंद्र भाई, अरे कसम सब गड़बड़ कर दिए, मिल रहा है ना उधर जा रहे हैं। किसी को बुला ले रहे हैं अभी, हाथ लगाइए। हरिंदर भाई पछड़ नहीं नहीं उधर, अरे हाँ इधर इधर सामने कहाँ पे थैंक यू इस वाला में सबसे इजी खिलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता गर्म में ठंडा इसी नहीं खाना कम पड़ेगा। हाँ मैं क्या हो गया, लेंस पर टच करना है हमारे डिमांड है। हाँ रुको रुको थोड़ा सा ऐसे काजू बादाम पढ़ रहे हैं तेरे। अजीत सर माइक लगा तो आपकी जो ओके अब शोएका के फैंस बुक लिखो क्या। ओके शोएका के फैंस को शोएब कुछ अच्छा सा बोलो आप इनके लिए, हमारे फैंस के लिए आप जितना बोले उतना कम, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ उसके अलावा फिर क्या बोलूँ। आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, इतने लाड़ का इतने प्यार का, शादी के बाद पहली ईद इतने हम खुश हैं, हमें पता है कि इतने ही ज़्यादा आप सब खुश हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए गाइस इनका प्यार आपके लिए बहुत स्पेशल वाला है, क्योंकि ये इतना अच्छा और इतना लंबा किसी के कंटेक्स्ट में नहीं बोलते। मैंने ये प्रूव करने के लिए आज इनको बोला था कि आप बोलो और आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें की। सो हियर दिस इज फॉर ऑल यू गाइस, ईद मुबारक। बोलो क्या बोलो।
अभी बच्चा है, शादी से बहुत चले गए। वो हाँ अभी नहीं आया है। हाँ शादी के बाद पहले कैसे स्पेशल बनाए आपने दीपिका के लिए? कैसे स्पेशल बनाए आपने दीपिका के लिए? वाह वाह, आई लव यू फॉर दिस क्वेश्चन। यस, मैंने आज शीरकुरमा बनाया। बताया इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है? मैंने शीरकुरमा बनाया है, वो मैंने बताई थी अभी रेसिपी। कितना दूध, कितनी सेवैयां डाली, उसमें कितनी चीनी डाली, कितना घी डाला, कैसे कैसे डाला? अभी रेशियो मुझको नहीं आया। अभी रेशियो दिया, अंदाज से मैंने बना दिया है। अच्छा, तो आप इतने एक्सपर्ट कुक हो कि ऐसे अंदाज से बन जाता है? तो सालों से कुकिंग करते आ रहे हो तो क्या बात है। बचपन में यही यादें हुआ करती थी कि सबसे पहले सुबह उठ के पापा के साथ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। और बेसिकली हम लड़कों के लिए ईद उतनी होती है कि सुबह उठ के जाओ, फ्रेश होकर नए कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ने, वहाँ पे वहाँ से आने के बाद सबको सलाम करो, गले मिलो, ईद मुबारकबाद दो और ईदी लो। तो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल हुआ करता था और इस बार भी ऐसा ही है। और अपने से छोटों को ईदी दो भी दी? दी हाँ देते हैं, दी भी है और आपको भी दी है तो। और नए नए कपड़ों का बहुत एक्साइटमेंट हुआ करता था बचपन में। वो आज भी है। कपड़े, जूते, सब कुछ नया, चश्मा भी नया चाहिए, बेल्ट भी नहीं चाहिए, तो हाँ ये रहा करता था एक्साइटमेंट। इनसे पूछिए ये इतनी, मतलब मैं ना अपने मुंह से नहीं बोल सकता उसको कि मैंने क्या किया है इसके लिए, आप ही बोलो। एकदम अनमोल, जो जिंदगी भर मैं अपने साथ रखूंगी बिना किसी डाउट के, एक रुपये का सिक्का। कितना स्पेशल है बता, कितना स्पेशल है एक रुपये का सिक्का, खुद देखो। बट आई एम श्योर समथिंग मस्ट बी ऑन इट्स वे एंड मुझे रात तक वो सरप्राइज मिलेगा, आई एम श्योर। फिलहाल तो मुझे छेड़ने के लिए दिया है, मुझे नहीं बताया, अगर नहीं भी है तो दे देना। ईदी नहीं मिलेगी, ईदी एक रुपये ही था। हाँ कुछ और गिफ्ट कल वल मिल जाएगा, लेकिन आज तो ईदी एक रुपया। नहीं मैं निकलवा के ही रहूँगी इससे ज़्यादा। थैंक यू, बताइए शोएब, हमने मेहनत की है, बोलने का काम आपकी है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ जैसे कि यूजुअली हम लड़कों के पास ना इतने ऑप्शन होते नहीं हैं पहनने के लिए, तो वही सिंपल सा कुर्ता है, फैब्रिक किसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पसंद इन्होंने किया है, तो अभी आप बताएं उसके बारे में। ये बहुत नखरे वाले हैं व्हेन इट कम्स टू वेयरिंग अ कुर्ता और एनी थिंग, बिकॉज ही इज़ वेरी फसी अबाउट द फैब्रिक, तो वो फरमाइश आ जाती है बाकी। लेकिन थैंकफुली जो मैं बना देती हूँ वो पहन लेते हैं, पसंद आए ना आए, थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो भी पहन लेते हैं। कोई ऑप्शन है मेरे पास? अभी तो नहीं है। 4 महीने पहले तक शायद तुम सोच भी सकते थे, पर अभी तो नहीं है। 4 महीने पहले नहीं, फिर मुझे 4 साल पहले सोचना चाहिए ना। ये तो गलत है ना। वो भी सही है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू, हर बार की तरह जिस तरह से आप लोगों का प्यार हमें मिलता है एंड आप लोग हमेशा हमसे कनेक्टेड रहते हो, सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड हम दोनों की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक, थैंक यू।